New product development is the process of creating a new product and bringing it to the market. ये बुनियादी core function है entrepreneur का कि वो नई product develop करता है और उसको market में लाता है. तो इस process में it has to go through many steps, जैसे new product idea generation and selection. कि वो सोचता है कि क्या नई product market में लाई जा सकती है, क्या अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसके पास जिसके ज़रिए कोई रेडिकल या कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यू एप्लीकेशन वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकता है. तो देन फ्रॉम वेरियस आइडियाज़ विच ही हैज़ इन माइंड, उसमें से वो एक सेलेक्ट करता है कि ये प्रोडक्ट या ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है इसके साथ मार्केट में जाया जा सकता है. देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, उसके ऊपर मज़ीद वर्क करता है ताकि उसको शेप दी जा सके कोई प्रैक्टिकल. देन प्रोटोटाइपिंग, कीपिंग इन व्यू हिज आइडियाज़ एंड मार्केट नीड, वो एक उसका सैंपल तैयार होता है और देन मार्केट टेस्टिंग होती है और अगर मार्केट टेस्टिंग कामयाब रहती है तो उसकी लॉन्चिंग हो जाती है. एट एवरी स्टेप बोथ टेक्निकल एंड मार्केटिंग इश्यूज़ को एग्जिस्ट. ये बड़ा अहम है कि ये सारे जो स्टेप्स चल रहे हैं एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग के, इसमें दोनों मामला साथ साथ चल रहे हैं. एक उसकी टेक्निकल साइड यानी कि प्रेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, करेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, अपग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन उसके साथ साथ उसके मार्केटिंग इश्यूज़ यानी जो मार्केट है उससे फीडबैक लेनी, वेरियस इटरेशंस करनी और कोशिश करनी कि जो कस्टमर है उसके साथ को डेवलपमेंट और को क्रिएशन की जाए. लेकिन बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मार्केटिंग का रोल जो है उसको लिमिट कर देते हैं और सेल्स का रोल भी लिमिट कर देते हैं जब तक के फाइनल प्रोडक्ट बन नहीं जाती. Entrepreneurs first develop the new product and then hand it to the marketing and sales department telling them now do your best. So ye kaha jata hai ki this is a recipe to disaster. Agar ye jo hai isko bataya jaye to ye kaha jayega ki ye ek tabahi ka rasta hai, kyunki ye nahi ho sakta ki aap product apne taur pe develop kar le, मार्केटिंग से उससे मतलब कोई इनपुट ही ना लें और मार्केटिंग को और सेल्स को ऑन द लूप ना रखें. तो फिर तो अपनी मर्ज़ी से आप एक प्रोडक्ट डेवलप कर लेंगे, अब मार्केट उसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती, मार्केटिंग मार्केट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके साथ वो प्रोडक्ट मैच करती है या नहीं करती, इसका आपको कोई मालूम नहीं है. तो आप सिर्फ जब अपनी फिनिश प्रोडक्ट लेकर मार्केट में जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि इसको ख़रीदने वाला आपको कोई ना मिले. Why? Because the customer input is important. At new product development process, which is often overlooked. कि जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके डेवलपमेंटल फेजेस में, उसके डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोसेस के अंदर आपको साथ साथ कस्टमर की इनपुट की ज़रूरत है ताकि उसकी जो नीड्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसको आप शामिल रखें अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर. द विनर्स एट द गेम ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉलो ए डिफरेंट अप्रोच. दे इन्वेंट एंड लिव बाय प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी. जो इन्वेंशन करते हैं, जो नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं उसके साथ लिव करते हैं एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद कस्टमर्स इन ऑर्डर टू लर्न मोर एंड मोर. और वो जो अपनी प्रोटोटाइप होती है उसको इस्तेमाल के लिए देते हैं इनिशियल कस्टमर्स को और फिर उनसे फीडबैक लेते हैं, फीडबैक लेके उसके मुताबिक प्रोडक्ट को अपग्रेड करते हैं और फिर उनको इस्तेमाल के लिए देते हैं. और ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर जो है उनके साथ इसकी को डेवलपमेंट में जो है पार्टिसिपेट करे, सो दैट एक ऐसी प्रोडक्ट सामने आए
जो कि मार्केट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं और मार्केट के जो नीड्स हैं, जो लेटेंट नीड्स हैं या जो विजिबल नीड्स हैं, उनको सामने रखते हुए प्रोडक्ट फाइनली डेवलप हो और फिर उसकी मार्केट में लॉन्चिंग की जाए। अगर ऐसा किया जाए तो प्रोडक्ट की कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।